जैसे राइट क्लिक करेंगे मॉडिफाई पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुल के आता है। थ्री का मतलब ये होता है कि आपका यूएसबी अभी स्टार्ट है, कहने का मतलब जो है आपका ये यूएसबी जो भी है आप पोर्ट काम कर रहा है, ठीक है, उसको जो है डिसेबल करना है आपको। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे थ्री के जगह चार यहाँ पे फोर टाइप करना है, ठीक करना, ओके करना है, सिर्फ आपको ओके करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह, स्वागत है आपका ग्रीन टेक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएसबी पोर्टर को, मतलब यूएसबी पोर्ट चाहे आपका लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर कोई सा भी हो, उसको आप इनेबल डिसेबल कैसे करेंगे। तो इनेबल डिसेबल करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब विंडोज़ जो भी है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, जो भी कंप्यूटर है आपके पास, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सिंपल एक ही है। आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर में विंडोज़ होना चाहिए, विंडो वाले सिस्टम होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका जो यूएसबी पोर्ट होता है, जैसे आप साइबर कैफे चलाते हैं या कहीं पे कुछ कंपनी का जो होते हैं, कंपनी का सिस्टम होता है, उसमें पेन ड्राइव वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं कि पहले से ही आईटी वाले क्या करते हैं कि यूएसबी जो पोर्ट होता है, यूएसबी जो होता है उसको जो है ऑफ कर देते हैं, मतलब डिसेबल कर देते हैं, सिंपल भाषा में हम आपको बता दें डिसेबल कर देते हैं। तो उसको जो है डिसेबल कैसे करते हैं और उसको इनेबल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है, कौन सा, वीवो 1904, ये मैंने अभी मोबाइल लगा रखा है डेटा केबल, मतलब यूएसबी के थ्रू। उसके जगह पे आप पेन ड्राइव भी आप देख सकते हैं, पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे पेन ड्राइव का जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी ये है तो हमारे पास ये ड्राइवर, ये तो ड्राइवर है जो है सीडी ड्राइव है, इसके बाद हमारा यूएसबी ये मैंने अभी लगा रखा है, ठीक है। तो उसको जैसे हम वहाँ पे इसको हम कैसे डिसेबल करें, मतलब इसका जगह पेन ड्राइव भी हो सकता है, अगर आप पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव लगा के चेक कर सकते हैं। मेरे पास अभी पेन ड्राइव नहीं है, मैं सिंपल जो है यहाँ पे मोबाइल का डेटा यूएसबी के थ्रू मैं यहाँ पे लगाया हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको डिसेबल कैसे करें कि जो यहाँ पे ये कनेक्ट ना हो। अभी आपको शो कर रहा है यहाँ पे कि ये यहाँ पे यूएसबी वीवो 1904 जो हमारा मोबाइल का नाम है वो यहाँ पे शो कर रहा है, पेन ड्राइव अगर आप लगाएंगे तो पेन ड्राइव आपका शो करेगा, ठीक। उसको हम इनेबल डिसेबल कैसे करें तो हम आपको ले चलते हैं, अब हम वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको करेंगे क्या, यहाँ पर जो है टैप सर्च टू सर्च, देखिए विंडो की यहाँ पर होता है टैप हेयर टू सर्च, इसमें सर्च करेंगे। सर्च क्या करेंगे, एक नाम है जैसे कि आपको टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर, रजिस्ट्री एडिटर ऑलरेडी ये सिस्टम के अंदर होता है, आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड नहीं करना होता है, इनबिल्ट रहता है। जब आप कंप्यूटर खरीदते हो उसी टाइम में विंडोज़ के साथ में ये सब आता है। रजिस्ट्री एडिटर ओपन करेंगे, सिंपल यहाँ पे ओपन कर देते हैं उसको, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, उसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू अलाउ दिस मेक चेंज टू योर डिवाइस, क्योंकि हमें डिवाइस में कुछ चेंजेस करना है तो इसलिए यस हम यहाँ पे यस करेंगे। यस करते ही इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल के आता है। अब इसको ध्यान से आपको, मैं इसको क्या करता हूँ बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको ध्यान से जो है आप लोग देखिएगा कैसे कैसे मैं करता हूँ। इस टाइप का आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें, मैं आपको बताते हैं इसको आपको करना क्या है। ये देखिए ये है बहुत सारे की यहाँ पे खुल के आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जो है ना सिंपल जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, मतलब ये है 6 कॉलम, जिसमें आपको थर्ड कॉलम पर जाना है। जैसे यह है यहाँ पर देखिए एच की लोकल मशीन है, उसको हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे एक्सप्लोर करेंगे, कहने का मतलब ओपन करेंगे। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे ना, तो डबल क्लिक करेंगे तो इस टाइप का खुल के आता है, ये खुल जाता है, मतलब इसके अंदर जो है ये फाइल बनी है, फोल्डर, एक तरह से फोल्डर सिंपल सी भाषा में, उसको हम ओपन करेंगे इसमें। अब आपको जाना का, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यूएसबी को डिसेबल इनेबल कैसे करें, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, इसको ओपन करने के बाद आपको इसमें करना क्या है, सिस्टम जो है, सिस्टम देखिए यहाँ पे सिस्टम वाला फोल्डर है, अब इसको जो है ओपन करेंगे, ठीक है। सिंपल डबल क्लिक किया, सिस्टम ओपन हो गया। सिस्टम ओपन करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, लेकिन आपको बहुत सारे ऑप्शन से लेना देना नहीं है, आपको जो सिर्फ जो है ढूंढना है यहाँ पे देखिए थर्ड वाला ऑप्शन, जो करेंट कंट्रोल सेट यहाँ पे ऑप्शन है थर्ड वाला, उसको हम सिंपल फिर से ओपन करेंगे। अभी फोल्डर ही ओपन होगा, कुछ प्रोसेस है, 3-4-5 फोल्डर है जो आपको ओपन करना है, उसके बाद जो है ये यूएसबी का डिसेबल इनेबल का ऑप्शन है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। करंट कंट्रोल वाला सेट हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है, बेशक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके ये सब स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ भी दिक्कत होता है तो।
करंट कंट्रोल सेट यहाँ पे ओपन हो गया। उसके बाद ये ओपन करने के बाद इसके अंदर आता है यहाँ पे देखिए सर्विसेज, सर्विसेज में आपको जाना है। सर्विसेज को सिंपल यहाँ पे फिर से हम ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे फाइलें खुल के आ जाती है। यहाँ पे देखिए अल्फाबेटिकल में फाइल यहाँ पे खुल के जाती है, ए बी सी डी जो भी है सारे खुल के आ जाते हैं। तो इसको स्क्रॉल करते हुए आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, यूएसबी को जो है डिसेबल इनेबल करना है, बिल्कुल नीचे जाना है। तो देखिए यहाँ पे यूएसबी वाले ये जो है ना, जो मैंने हमने जो खोला है सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, यू वाले ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि जो है यू वाले ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। तो आपको यहाँ पे जो है चेक करना है कि यहाँ पे लिखा रहेगा यूएसबी स्टोर करके, तो यूएसबी स्टोर करके लिखा रहेगा। तो स्क्रॉल करते हुए और ध्यान से उसको यूएसबी स्टोर को हम क्या करेंगे, उसको उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यूएसबी आपको जो भी है जहाँ पर भी है, देखिए यू है, अब हम आपको ले चलते हैं स्क्रॉल करते हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है यूएसबी, ये है ना यूएसबी स्टोर, ठीक है। यूएसबी स्टोर पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूएसबी स्टोर पे जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये अब ओपन नहीं होगा। जैसे आप पहले ओपन फोल्डर ओपन करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े थे ना, अब ये ओपन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे ये खुलेगा नहीं, यहाँ पे साइड में सिंपल यहाँ पे ओपन करते हैं यूएसबी स्टोर पे, जैसे क्लिक करेंगे तो यह आपके पास इस टाइप का ओपन यहाँ पे हो जाएगा, जो फाइलें यहाँ पे जो है 8-10 फाइलें हैं जो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आपको अब इसमें करना क्या है, आपको जो है यहाँ पे देखिए सेकेंड लास्ट, मतलब नीचे से लास्ट जो है स्टार्ट का यहाँ पे बटन लिखा हुआ टाइप है और एक ये स्टार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको करना क्या है, अब जो है राइट क्लिक करना है, माउस के द्वारा राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस खुल के आता है, और उसके बाद जो है 3-4 ऑप्शन है, मॉडिफाई बाइनरी डाटा, डिलीट, रीनेम। तो आपको करना क्या है, आपको जो सिंपल जो है यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुल के आता है, डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, और यहाँ पे वैल्यू नेम स्टार्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे वैल्यू डेटा 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस है हेक्साडेसिमल और डेसिमल। तो यह आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू डेटा 3 है। 3 का मतलब यह है कि आपका जो भी यूएसबी है, मतलब सिस्टम के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर जिसमें विंडो डला हुआ है, जो जिस पर आप काम कर रहे हो, तो उसमें 3 है। 3 का मतलब ये होता है, ये कोड होता है, 3 का मतलब ये होता है कि आपका यूएसबी अभी स्टार्ट है। कहने का मतलब जो है आपका ये यूएसबी जो भी है आप पोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। उसको क्या करना है, अगर आपको उसको जो है डिसेबल करना है आपको, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 3 के जगह 4 यहाँ पे 4 टाइप करना है। 4 यहाँ पर टाइप करते ही उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ओके करना है, सिर्फ आपको ओके करना है। देखिए मैंने ओके कर दिया है, यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है, 4 है, मैंने 4 टाइप करके वहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद, ठीक है, अब इसको हम सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। मिनिमाइज़ करने के बाद अब हम देखते हैं जो हमने लगाया था पेन ड्राइव यूएसबी केबल, तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने अभी लगाया था मोबाइल, मतलब पेन ड्राइव ने लगाया था मोबाइल, और यूएसबी के थ्रू मोबाइल मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो ये मोबाइल का नाम आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ से ये हटा नहीं, ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल अभी हटा नहीं है, जबकि हमने वहाँ पे 4 टैप करके ओके कर दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको अभी वैसे नहीं हटेगा, इसको आप या तो आप पेन ड्राइव निकाल लेंगे, या फिर सेफ रिमूव जैसे करते हैं, पेन ड्राइव जैसे निकालते हैं यहाँ पे सेफ रिमूव करके, ठीक है। तो ये हमारा जो है मोबाइल लगा हुआ है, इसीलिए इस टाइप का शो कर रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको जो है ओपन, ये इसको हटा लेना है, इसको हटाते ही ये गैप हो जाएगा, ये गैप हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, अगर आप दोबारा लगाएंगे तो ये शो नहीं करेगा। देखिए अब मैं दोबारा यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, दोबारा लगाऊंगा तो ये देखिए मैं यहाँ पे दोबारा लगा चुका हूँ, लेकिन जो है अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो है डिसेबल कर रहा है, कि मतलब 4 टैप करके डिसेबल कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये कर रखा है, 4 कर रखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 4 कर रखा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर से यूएसबी को इनेबल करना है तो इसको क्या करना है, 3 करना है, 3 कर देते हैं, ठीक है। 3 करते ही और उसके बाद ओके सिंपल करेंगे, ठीक है। प्रोसेस वही था जो आपने यहाँ पे किया था, जितने भी स्टेप बाय स्टेप जाके यही प्रोसेस पे आना है, यूएसबी स्टोर वाले पे और स्टार्ट वाले पे जाके राइट क्लिक करना है, ओपन करना है, 3 करना है, उसको ओके कर देना है। ओके करते ही, ओके करने के बाद
मैं आपको दिखाते हैं। ओके करने के बाद अब जो हम पेन ड्राइव लगाएंगे ना, जैसे कि मैं यूएसबी केबल लगाता हूँ, यूएसबी केबल लगाएंगे तो अब ये शो कर जाएगा। देखिए उस टाइम में शो नहीं किया था, अब देखिए ये शो कर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है जो इस तरह से आप जो है यूएसबी को पोर्ट को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया है आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सा टेक से रिलेटेड वीडियो लेके। तब तक लिए ओके टाटा बाय बाय, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खास बात अपनों का ध्यान रखिए।